अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और आज बड़े अरसे के बाद हम सारे दोस्त दोबारा इकट्ठे हुए, और जो इकट्ठे होने का मकसद है वो ये है कि सोशल मीडिया एक जो है वो ताकत से इख्तियार करता जा रहा है, और सोशल मीडिया से आप जहाँ अपने मुआशी हालात बेहतर बना सकते हैं, तो वहीं पर जो इखलाकी इनाहतात का शिकार होता जा रहा है माशरा, उस पर भी गुफ्तगू जो है वो की जाए। और ये सारी गुफ्तगू करने के लिए आज हम दोस्त इकट्ठे हुए, मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम आसिफ भाई, आसिफ भाई के साथ गुफ्तगू होगी, और इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं कैसर नवाज़ भुट्टा साहब, कैसर से भी गुफ्तगू होगी, और ये सारी गुफ्तगू जो है आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ जो है अपनी गुफ्तगू का हम कुछ यूँ कर लेते हैं, अभी हमने जो है थोड़ी सी देर पहले चाय शाय भी पी ली है, अब आपके साथ भी चाय दोबारा पीने की कोशिश करते हैं। गुफ्तगू ये है कि सोशल मीडिया जो है उसका मस्बत इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, उससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज़ी भाई, पैसे कमाना हर बंदे की ज़रूरत है और कमाने भी चाहिए, पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे लोग उस तरह सोशल मीडिया से, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दीगर चीज़ों से? मैं अर्ज़ करूँ कि देयर इज़ नथिंग न्यू अंडर सन, बट देयर आर न्यू डायमेंशंस। और हमारे एक बड़े मारूफ शायर ने भी कहा था कि दुनिया में कोई चीज़ नई चीज़ नहीं है। तो मेरा सुना दुनिया में वही चीज़ें हैं जो आप मैं देखते हैं, सिर्फ आपके देखने का नुक्ता नज़र क्या है। मैं रेडियो से चुके एक तवील अरसे तक रहा हूँ, और जो नए लोग आते थे हमारे यहाँ प्रोग्राम करने के लिए, मैं उन्हें एक बात कहा करता था कि बहुत सारे लोग हैं प्रोग्राम कर रहे हैं, और अब तो माशाल्लाह बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ से प्रोग्राम हो रहे हैं, तो कोई आपको क्यों सुने? आप इसको जस्टिफाई करें, कुछ तो ऐसा करें, कोई तो ऐसी ख़ास बात हो। ज़रूरी नहीं कि बड़ी आलमाना फाजलाना और बहुत बड़ी कोई आपने उस पर तहकीक की हो, पढ़ें ज़रूर, मुतायला आपको करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर करें जिससे लोगों को लगे कि एक नई चीज़ है, मैं देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो वो अब जब आप करेंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे, देखेंगे, और वो देखी जाएगी। जी बिल्कुल, जब आप कुछ नया करेंगे, कुछ नया होगा तो ही जाहिर है आप लोग आपको देखेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। कैसर नवाज़ भुट्टा बड़ा फेमस नाम है और सोशल मीडिया पे खासी ग्रिप है इनकी, बहुत सारे चैनल्स के हवाले से हम भी जब फंसते हैं तो हम इनसे तकनीकी मुआवनत हासिल करते हैं। कैसर का भी एक चैनल जो है वो मोनेटाइज हुआ था और फिर वो ख़त्म हो गया, क्यों ख़त्म हो गया ये कैसर से जान लेते हैं, क्या वजह थी कैसर भाई उसकी? और सबसे पहले तो अंजुम भाई, मैं जितने भी देखने वाले हैं सबको सलाम कहूँगा, उस अगली बात सिर्फ एक लाइन के, मेहनत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उकदा है जो वाह हो नहीं सकता। तो इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया जो है ये एक तो हमारी ज़रूरत है कि हम रोज़मर्रा एक्टिविटीज़ जो हैं, जो पहले हमें कई दिनों के बाद पता चलती थी, वो हर लम्हा में पता चल रही, उससे हटकर फिर हमारा जो आजकल ज़रूरत है माशी मईशत को बेहतर करने के लिए, अपने किचन को चलाने के लिए, यह बहुत सारे और ज़रूरियात हैं इंसान की। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा सोशल मीडिया पर आप हर फन मौला नहीं हो सकते, आप एक लाइन ऑफ एक्शन, एक चीज़ पर चलें, जैसे कहते हैं ना एक किसान है वो अपने उसी रमक में सिस्टम को चला रहा है, तो वो अपने सिस्टम को जारी रखने के लिए एक ही काम कर रहा है, तो अल्लाह उसको फल देता है। हमें भी एक लाइन ऑफ एक्शन में काम करना चाहिए, ये नहीं है कि हम टिकटॉक भी करें, हम फेसबुक भी करें, हम यूट्यूब भी करें, हम भी और मीडियम भी करें। आप एक तो अपना एक लाइन ऑफ एक्शन चूज़ करें कि आप किस मीडियम पे काम करना चाहते हैं, दूसरा आप किस मेथड पे काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप वीलॉग बनाना चाहते हैं तो वीलॉग पे ही सिर्फ काम करें, ये नहीं कि मैं म्यूज़िक भी कर लूँ, मैं वीलॉग भी कर लूँ, मैं स्टेज ड्रामा की वीडियो भी डालूँ, मैं टिकटॉक भी डालूँ, ये नहीं हो सकता है। सिर्फ एक मंजिल अपनी चूज़ करें, लगे रहें, वक्त आएगा कि आप कामयाब हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आपको मंजिल का इंतखाब करना पड़ेगा और आपको फोकस करना पड़ेगा बुनियादी तौर पे। जब आप फोकस कर लेंगे अपने उस पॉइंट की जानिब और उसको अपनी मंजिल बनाकर उसकी जानिब चलना शुरू करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता दोस्त आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे, और यूँ आप ना सिर्फ आपकी मईशत मजबूत होना शुरू हो जाएगी, आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे, बल्कि आप दूसरों को गाइड करने के काबिल भी हो जाएंगे। दूसरों को गाइड ज़रूर कीजिएगा, जिस चीज़ से आपको कामयाबी मिलती है उस चीज़ को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए। हम तीनों दोस्त मिलकर चाय पीते हैं, आपसे अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है।